हेलो एवरीवन, आज हम लोग तफसील से बात करेंगे स्टीफन क्रेन की बायोग्राफी के बारे में। स्टीफन क्रेन एक अमेरिकन पोएट, नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर था। इसे बहुत ही थोड़ी उम्र मिली थी, लेकिन अपनी ज़िंदगी में ये बहुत ही ज़्यादा ज़हीन रहा है और इंटेलेक्चुअली बहुत प्रोडक्टिव था। इसकी राइटिंग्स जो हैं उनमें हमें रियलिस्टिक ट्रेडिशंस, अमेरिकन नेचुरलिज्म और इम्प्रेशनिज्म पढ़ने को मिलता है। क्रिटिक्स ने इसे नई जनरेशन का इनोवेटिव राइटर भी कहा है। हर राइटर की ज़िंदगी में उसकी एक ऐसी बुक ज़रूर होती है, एक बुक, शॉर्ट स्टोरी, नॉवल या बायोग्राफी, कुछ भी, जो उसे पॉपुलैरिटी की पीक के ऊपर पहुंचा देती है। तो स्टीफन क्रेन बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था अपनी बुक द रेड बैज ऑफ करेज की वजह से। इसकी अपनी ज़िंदगी भी किसी एडवेंचरस नॉवल से कम नहीं थी। इसने गुर्बत को बहुत करीब से देखा था। आर्टिस्ट और राइटर्स की कंपनी में इसने ज़िंदगी गुजारी और एक शिपरेक को भी सर्वाइव किया था। वार कोरेस्पॉन्डेंट था और इसकी डेथ बहुत जल्दी हो गई थी। ऑलमोस्ट 28 ईयर्स सर्वाइव कर पाया था। और स्टीफन क्रेन की जो बायोग्राफी है वो आज अमेरिकन लिटरेचर में मोस्ट ओरिजिनल वॉइसेस में से एक मानी जाती है। 1 नवंबर 1871 न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में स्टीफन क्रेन पैदा हुआ था और ये अपने वालदैन की 14th और लास्ट चाइल्ड था। यानी कि इसकी मदर जो थी वो एक राइटर थी और इसके फादर जो थे वो बिशप थे। एजुकेशन की अगर बात करें, क्योंकि इसने पॉवर्टी की लाइफ गुजारी है और इसकी परवरिश, स्टीफन क्रेन की परवरिश उसकी बहन ने की है, तो इसने अपनी जो अर्ली स्कूल लाइफ ख़त्म करने के बाद क्लेवरक कॉलेज से इसने एजुकेशन ली। उसके अलावा कॉलेज में 2 साल गुजारने के बाद पेंसिल्वेनिया में यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क में एक यूनिवर्सिटी में इसने अपनी बाकी की एजुकेशन कम्प्लीट की। और उसके अलावा पैस्टन मूव कर गया था, जहाँ पर इसने अपने भाई के साथ बहुत सारे न्यूयॉर्क सिटी के ट्रिप किए थे और वहीं से ही अपने जो राइटिंग करियर का स्टार्ट कर दिया था, कि ट्रैवल शॉर्ट स्टोरीज लिखना शुरू कर दी थी और व्लॉग्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे। स्टीफन क्रेन का जो लाइफस्टाइल था वो बोहेमियन लाइफस्टाइल था, यानी कि लोकल आर्टिस्ट के बीच इसने अनकन्वेंशनल अपनी लाइफ स्पेंड की है और उन्हीं के साथ इसने पॉवर्टी को बहुत करीब से देखा और स्ट्रीट लाइफ स्पेंड की है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसका जो ये एक बहुत ही लार्ज फैमिली से बिलोंग करता था, तो एक सेल्फ मेड पर्सन है, यानी कि जो खुद कोशिशें करके और अपने लिए अपने अपॉर्चुनिटीज़ खुद ही बनाई हैं और अपना करियर सेट किया है। इसने बहुत सारी जॉब्स भी की थी। 1891 में एब्जरी पार्क में स्टीफन क्रेन ने एक रिपोर्टर का काम किया था अपने भाई के बिजनेस के लिए। उसके अलावा स्केचेस भी लिखता था और अपने फालतू के टाइम में शॉर्ट स्टोरीज और टेल्स भी लिख लिया करता था। उसके अलावा जब इसकी मदर की डेथ हुई थी तब उसने कमर्शियल बिजनेस स्टार्ट किया और फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट कर दी न्यूयॉर्क। स्टीफन क्रेन का जो राइटिंग स्टाइल वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। उसके अलावा इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो रियलिस्टिक रहा है, क्योंकि इसने पॉवर्टी की लाइफ स्पेंड की है और दूसरा ये वाकिफ था कि आम इंसान जो है, जो लोअर क्लास है, वो कितने हर्डल्स का सामना करती है और अगर उन्होंने अपना करियर बनाना भी है तो कितनी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है और कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस आते हैं उनकी लाइफ में, उसे इसने अपने राइटिंग में यूज़ किया है। इमेजरी का इतना खूबसूरत इस्तेमाल किया है अपनी राइटिंग में कि ऐसे लगता है ह्यूमन कंडीशन को हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हूँ। और एक तो इसी रियलिस्टिक अपनी नेचर की वजह से बहुत ही ज़्यादा सार्केस्टिक राइटिंग्स रही हैं इनकी, क्योंकि मोस्टली जो इनके रीडर्स थे वो भी शिकायत करते थे कि ये इतना ज़्यादा सार्केस्टिक लिखते हैं। नोटेबल वर्क्स जो हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट मैगी अ गर्ल ऑफ़ द स्ट्रीट्स जो 1893 में पब्लिश हुआ, द रेड बैज ऑफ करेज 1895 में जो पब्लिश हुआ, और द ओपन बोट एंड अदर टेल्स ऑफ एडवेंचर ये बुक 1899 में पब्लिश हुई थी। और उसी साल ही एक दूसरी बुक पब्लिश हुई थी, द मॉन्स्टर एंड अदर स्टोरीज। इसके अलावा नावल भी लिखे थे, नावल सर्विस 1899 विच रिकॉर्ड हिज एक्सपीरियंस विद वार इन ग्रीस। ये तो नावल्स हो गए, और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी थी जिसमें वाउंड्स इन द रेन, ग्रेट बैटल्स ऑफ द वर्ल्ड, लास्ट वर्ड्स एंड द ओरडी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। स्पेनिश अमेरिकन वॉर से पहले स्टीफन क्रेन ओपन बोट के जरिए क्यूबा की तरफ जा रहे थे और उनकी बोट जो है वो पानी में डूब गई थी। स्टीफन क्रेन ने इस शिपरेक को सर्वाइव किया था और इसका जिक्र उन्होंने अपनी एक स्टोरी में किया कि किस तरह से प्रोटैगनिस्ट ने अपने आप को बचाया था। लेकिन इस शिपरेक के बाद उनकी सेहत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वीकनेस की वजह से उन्हें ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया था और यही टीबी जो है उनकी डेथ की वजह बनी थी। एट द एज ऑफ 28 1900 में स्टीफन क्रेन की डेथ हो गई थी टीबी की वजह से। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी।